वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए प्रॉन्स का 3 आइटम्स लाने वाली हूँ। फर्स्ट आइटम है प्रॉन्स वड़ा, सेकंड आइटम प्रॉन्स फ्राई, थर्ड आइटम है प्रॉन्स और मैंगो करी। फर्स्ट आइटम आपको मैं दिखाएंगे, बीस प्रॉन्स लिए हुए हैं फ्रेश, उसको मैं धो के रखा हुआ है, वो तो मैं मिक्सी में डाल देंगे वड़ा के लिए। उसमें 3 स्पून मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, नमक हिसाब से, इसमें छोटा कांदा ये वाला काट के रखा हुआ है वो भी डालना है, छोटा कांदा, कड़ी पत्ता, अदरक पीस करके रखा हुआ, अदरक भी डालना है। इसमें पानी नहीं डालना है, उसको ऐसे ही एक बार मिक्सी में पीस के लेना है। अभी मैं ग्राइंड करके लिया हुआ है, 1 स्पून पानी भी डाला हुआ है उसमें वड़ा के लिए। कर लेना अच्छे से। अभी वड़ा के लिए रेडी हो गया है। अभी तवा रखा हुआ, तेल गर्म हो रहा है, तो हम लोग वड़ा बना के उसमें डालना है। अभी वड़ा एक बार जो फ्राई हो गया है तो मैं उल्टा करने जा रही हूँ, और कितना इजीली बना सकते हैं ये, और कम समय में हम लोग बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, तो इसको मैं उल्टा करेंगे। अभी मैदा आटा कुछ भी नहीं है, खाली प्रॉन्स कांदा कड़ी पत्ता अदरक जो चीज़ हमारा घर पे है और वो हेल्थ के लिए अच्छा है जो भी है वो डाला हुआ है। कोकोनट ऑयल यूज़ किया मैंने इसमें भी, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और कोई पाउडर यूज़ नहीं किया इसमें। अभी जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक नेक्स्ट रेसिपी झींगा फ्राई, वो देख रहे हैं स्मॉल फ्रॉन्स, हल्दी और नमक डाल के पका के रखा हुआ है, और उसके लिए चाहिए छोटा नारियल छोटा छोटा काट के रखा हुआ है, 5 मिर्च लिया हरी मिर्च ये वाला, और कड़ी पत्ता चाहिए, नमक 2 स्पून पाउडर मिर्च पाउडर,
प्रॉन्स फ्राई रेडी हुआ है, तो उसको मैं प्लेट में रखती हूँ। अभी हमारा नेक्स्ट रेसिपी के लिए प्रॉन्स फ्राई के लिए मैं तेल डालती हूँ, कोकोनट ऑयल, अभी तेल गर्म हुआ है तो कांदा डालना है उसमें, एक कांदा फूल बड़ा कांदा लिया हुआ, अभी मैं कांदा डालना है, गोल्डन फ्राई नहीं होना है, इसमें नारियल छोटे छोटे पीस करके डालते हैं। हरी मिर्च पांच हरी मिर्च लिया है, कड़ी पत्ता, उसको फ्राई होने के बाद मिर्ची डालनी, गोल्डन फ्राई होने, अभी गोल्डन फ्राई हो चुका है तो 2 स्पून मिर्ची पाउडर डालनी, नमक, नमक डाल दिया, इसको थोड़ा सा 2 मिनट उसको फ्राई करना है, मिर्ची के साथ मिक्स होने चाहिए। भी फ्राई मिक्स हो गया है मिर्ची पाउडर और एजिंग डालना है, मिक्स करना है इसमें। अभी प्रॉन्स फ्राई रेडी हुआ है तो मैं साइड में रखती हूँ उसको, हमारा थर्ड आइटम है आम और फ्रूट्स का करी बनाना है, उसके लिए कढ़ाई रखा है उसमें तेल डालना, उसके लिए चाहिए 2 छोटे छोटे आम लिया हुआ है, हरी मिर्च 3 और राई चाहिए और 3 स्पून मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, 1 बॉल नारियल, उसको मसाला बनाने का, और नमक, कड़ी पत्ता, और फ्राई के लिए छोटा कांदा। अभी मैं तेल डाला हुआ है उसमें राई डालेंगे, मिर्च डालना है 3 हरी मिर्च डाला, आम डाला,
नमक कितने चाहिए कि प्रॉन्स मैंने हल्दी और नमक डाल के बॉईल करके रखा हुआ है वो भी डालनी है उसमें। पानी चाहिए उसमें, पानी भी चाहिए, पकने चाहिए आम पकने। हम लोग रंग करेंगे जब तक वो पक रहे हम मसाला बना लेते हैं। तो एक बाउल नारियल मैं इसी में डालती हूँ। मिर्ची पाउडर 3 स्पून, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा पानी डालना है उसमें। अभी पीस लेते हैं इसको। आम पक रहे हैं, अभी पक गया आम अच्छे से। अभी हम लोग को मसाला उसमें डालना है, मसाला डालना है। मसाला डाल दिया इसमें। अभी 2 मिनट गरम कर लिया। अभी आम का करी तैयार हुआ है, इधर रखती हूँ तड़के के लिए तैयार करती हूँ। तड़के के लिए अपने को चाहिए छोटा कांदा, कड़ी पत्ता, राय और अक्खा मिर्च। तेल डालती हूँ उसको। तेल गरम हुआ, राई डालते हैं छोटा कांदा। गोल्डन ब्राउन होना है इसे। यहाँ पे लाल मिर्च डालते हैं। तैयार हुआ, इसमें डाल दिया मैंने तड़का। ये है हमारा आम और प्रॉन्स का करी। आप लोगों को पसंद आएगा, जरूर बनाए, घर पे बनाइए आप। अभी अपना 3 रेसिपी तैयार हो गया है। तो ब्राउन राइस और पापड़ के साथ मैं खा के देखती हूँ इसका टेस्ट कैसा है।
कैसे लग रहा है हर्षिका ईशान, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा है, टेस्टी है ना, टेस्टी है ना। भी अपने घर पे ये तीनों रेसिपी बना के एंजॉय करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई रेसिपी, सबको अच्छा लगेगा। वी विल मीट नेक्स्ट वीक। स्टार्ट बाय।